शुरू में तो बाबा से क्या होता था, जब बाबा स्थापना के समय में बाबा से क्या होता था, कृष्ण और नारायण का साक्षात्कार होता था। जैसे स्थापना हुई ना तो ओम की धुनी लगाई तो छोटे छोटे बच्चे ट्रांस में चले जाते थे, माताएं ट्रांस में चली जाती थी। और हमने कृष्ण के साथ राज किया, कृष्ण के साथ ये किया, कृष्ण के साथ डांस किया। और किसी किसी को जैसे बाबा सिंदली पे बैठे हुए तो बाबा नहीं दिखाई पड़ते थे, लेकिन उनकी जगह कृष्ण दिखाई पड़ता था अथवा नारायण दिखाई पड़ता था। लेकिन अंत में जब बाबा ने पुरुषार्थ किया तो क्या हुआ, अंत में नारायण ऐसे साक्षात्कार नहीं होता था, लेकिन बाबा साक्षात कृष्ण समान दिखाई पड़ता था। जैसे ये कृष्ण जब बाबा खड़े होते थे तो जैसे नारायण खड़ा हुआ, क्योंकि कृष्ण और नारायण के संपूर्ण गुण बाबा ने अपने अंदर भर लिए थे। बाबा को बहुत नशा चढ़ता था कि हम जाकर वर्ल्ड क्राउन प्रिंस बने थे, क्योंकि अभी बाबा कहते हैं ना मुरली में बच्चों को क्या होना चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए, है नहीं। तो बाबा को जब हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली सुनाते थे ना तो बाबा कहते हैं क्या करो, खुशी में खगिया मारो, है नहीं। जैसे छोटे बच्चे ना ऐसे ऐसे करते बहुत खुश होके, हैं। तो बाबा भी जब मुरली चलाने आते थे तो कृष्ण का फोटो सामना होता था, वो ट्रांसलेट का ओशो को देख के बाबा बहुत खुश होते थे कि हम ऐसे जाकर बनेंगे, है नहीं। तो लास्ट में बाबा को इतना नशा चढ़ता था कि बाबा को नशा चढ़ गया कि हम कृष्ण आके बनेंगे, घोटू ऐसे चलेंगे। तो 93 वर्ष का बाबा और वो अपने कमरे में घोटू घोटू से चलने लगता था, है नहीं। बाबा को नशा चढ़ा कि हम जाकर ऐसे कृष्ण बनेंगे और झूला झूलेंगे, तो फटाफट है नहीं लच्छू दादी को बुलाया, झूला डलवाया, फटाफट जैसे कृष्ण झूला झूलता ना ऐसे बाबा झूलने लगते, है नहीं। तो एकदम बाबा को नशा, तो ये था ना बाबा को अंदर में था कि हम इतना स्पष्ट था, तो उस नशे से क्या होगा, बाबा के अंदर सब दैवी गुण आ गए, जो अंतमति सो गति।